फुकरा क्या करता है भाई तू? He's making music. Hello guys, तो क्या मुनव्वर फारूकी ने फुकरा इंसान को ट्रोल कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, कल ECL का एक इवेंट था जहां पर एलिस यादव, मुनव्वर फारूकी और फुकरा भी आए हुए थे, जहां पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इन लोगों के बीच में एक क्रिकेट मैच होने वाला है, इन तीनों की एक एक टीम होने वाली है। भाइयों बातों बातों में मुनव्वर फारूकी ने फुकरा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसको देख के भाई लोग कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी ने फुकरा इंसान को ट्रोल कर दिया है। तो क्या कुछ कहा था इवेंट में मुनव्वर फारूकी ने, आप लोग ये छोटी सी क्लिप देखिए दोस्तों। आप लोगों को काफी जज करते हैं, प्यार मिलते हैं, हेट्स मिलते हैं, तो उस चीज को लेकर भी कितने रेडी हो आप? फुल रेडी है भाई, फुल एकदम। बाहर की जिंदगी में हम कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बहुत अलग डिफरेंट ऑडियंस को केटर करते हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। डेली व्लॉग्स बनाना इट्स नॉट ए ईजी जॉब, लोगों को स्टेज पे हंसाना नॉट ए ईजी जॉब। फुकरा क्या करता है भाई तू? He's making music, he's making vlogs, streaming, बहुत सारा content और वो वाले game shows. It took बहुत मेहनत लगती है game show plan करने में, उसको shoot करना सबसे ज़्यादा मेहनत, और सबसे बड़ा काम है editing. तो जब मैं फुकरा के भी video देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि भाई editing में जो दिमाग इसका जाता होगा सबसे ज़्यादा जाता होगा, right? Yep. तो डिफरेंट चीज़ें कैटर कर रहे हैं, तो एक दूसरे का वैसे कॉम्पिटिशन नहीं है, बट अगर एक दूसरे कहीं जमा हो गए कि यहाँ से कुछ जीत के लेके जाना है तब डेफिनेटली कॉम्पिटिशन है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड के बहुत तगड़े सारे कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों यहाँ पर मुनव्वर फारूकी ने अभिषेक मरान को थोड़ा सा फनी मोमेंट में ट्रोल किया है, भले उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी या कोई भी कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर क्रिकेट में मैच के आमने सामने होंगे तो तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों मुनव्वर फारूकी, एलिस यादव और फुकरा इंसान, इन तीनों की अलग अलग एक टीम होने वाली है, तो आप लोग किसको सपोर्ट करोगे दोस्तों, कॉमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। और हाँ, जब भाई एक न्यूज वाले ने फुकरा इंसान से पूछा कि आपके करीबी दोस्त ध्रुव राठी ने बहुत ही ज्यादा कोशिश करी थी बीजेपी को हरवाने के लिए लेकिन वो असफल रहे, तो फुकरा इंसान ने क्या रिएक्शन दिया है इसके ऊपर, आप लोग ये छोटे से क्लिप देखिए। आपके करीबी दोस्त ध्रुव ने काफी कोशिश की बीजेपी के अगेंस्ट बोलने की, बट एट द एंड बीजेपी की सरकार आई, सो क्या कहना चाहोगे? और काफी वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग करना चाहिए क्योंकि ECL में ध्रुव राठी नहीं है, ECL में हम सारे हैं, और तुम्हारे को फोकस करना चाहिए ECL के क्रिकेट पे। आपके दोस्त एलिस यादव ने काफी एक्सपोज किया। मेरे तो सभी दोस्त हैं, आपके दोस्त ने एक्सपोज किया, अब दोनों अब क्या कर सकते हैं, दोनों लड़ रहे हैं। मैं भाई सपोर्ट करता हूँ इंडिया।